नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है 12 जुलाई 2014 को कन्या राशि में जाने वाले राहु महाराज के बारे में। 12 जुलाई 2014 को कन्या राशि में जाने वाले राहु राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि को कैसा फल देने वाले हैं इसके बारे में। 12 जुलाई को रात को 8:50 पर इंडिया टाइम पर राहु चलेंगे कन्या राशि में। करीबन 18 महीने कन्या राशि में रहने वाले राहु राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि को चलेंगे अब चंद्र राशि से अष्टम भाव में। अष्टम स्थान जो है वो मृत्यु स्थान है, आयुष्य का स्थान है, गुप्त धन का स्थान है, गुप्त संबंधों का स्थान है। यहाँ पर राहु का फल शुभ नहीं माना गया है। जो कोई भी जातक की कुंडली में, जन्म लग्न की कुंडली में या चंद्र से अष्टम स्थान में राहु हो, तो ये अष्टम स्थान में राहु का जो भ्रमण है वो शुभ नहीं माना जाएगा। खास करके आपको कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना पड़ेगा, क्योंकि केतु चलेंगे धन भाव में। कुटुंब में खास करके आपको वाणी में विशेष संयम रखना बहुत जरूरी रहेगा और वाहन चलाने में भी विशेष केयर करें, अनजाने पानी में ना उतरे। तो ये जो भ्रमण है राहु का, 18 महीने चलेंगे राहु कन्या राशि में, ये भ्रमण कुंभ राशि के लिए शुभ नहीं है। अशुभत्व के निवारण के लिए रोज भैंस को खिलाएं, कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं और घोड़े को चना खिलाएं। यदि आपके कोई मित्र हैं कुंभ राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।